साल से इनके साथ ही हो रहा है, एक अखाड़ा एक फैमिली। और इस 12 साल में भी एक बार भी ये शिकायत लेकर के ना तो खेल मंत्रालय में गए हैं, ना किसी पुलिस स्टेशन पर गए हैं, ना कभी फेडरेशन में आए हैं। और यही खिलाड़ी आंदोलन के 15 दिन तक पहले इनकी वीडियो सुन लिया जाए, इनका ऑडियो सुन लिया जाए, और ये जो है हमारी तारीफ करते थे। ये जो खिलाड़ी आज धरने पर बैठे हैं, ये अपने शादी में मुझे क्यों बुलाते थे, फिर जोड़े में होकर के मेरा फोटो क्यों लेते थे, मेरा आशीर्वाद क्यों लेते थे। लेकिन मैं एक संवैधानिक पद पर हूँ, मेरी एक बोलने की मर्यादा है, उस मर्यादा के तहत मैं बोल रहा हूँ। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, दिल्ली पुलिस के पाले में है, जो भी निर्णय करेगी हम मुझे उसी। फिर ये धरने पर बैठ गए। अब धरने पर बैठ गए, पहले इनकी मांग थी एफआईआर की जाए, चलिए भाई इनकी मांग स्वीकार हो गई, अब एफआईआर हो गई। अब इनको चाहिए, अब कहते हैं कि जेल के अंदर होना चाहिए, सारे पदों से इस्तीफा देना चाहिए। तो ये जो मेरे पास, मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, ये पद मुझे विनेश फोगाट की कृपा से नहीं मिला है, हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे दे रखा है। और एक बार नहीं 6-6 बार दे रखा है, 6-6 बार मुझको दिया, मेरी पत्नी को दिया, और उनकी कृपा पर नहीं है। और कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद भी उनकी कृपा पर नहीं है, मैं चुनाव लड़कर के जीता हूँ। अब आपके माध्यम से आप सवाल पूछेंगे तो मैं कहना चाहता हूँ, एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा क्यों, हरियाणा के अन्य खिलाड़ी क्यों नहीं, हिमाचल के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के, बंगाल के, आसाम के, देश के अन्य प्रांतों के खिलाड़ी क्यों नहीं। 12 साल से लगातार इनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, केवल इनके साथ। वो यौन उत्पीड़न देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं होता है। केवल एक ही अखाड़ा और एक ही फैमिली, एक अखाड़ा एक फैमिली। बाकी हरियाणा का 90% खिलाड़ी और 90% गार्जियन ब्रिजभूषण सिंह के साथ है, क्योंकि मैंने काम किया है, मैंने खेल को जहां तक सेवा दे सकता है ईमानदारी से सेवा दिया है। और इसीलिए आज देश का एक, जबकि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.